श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। एक बहुत ही आसान सा विधान है वशीकरण का, सर्वजन वशीकरण का, इसको पंचमहाभूत वशीकरण कहते हैं। माना ये जाता है कि अगर पंचमहाभूत के माध्यम से जन वशीकरण हो, जन वशीकरण क्या होता है कि जो आपको देखे वो आपसे मोहित रहे, वो आपसे कड़वा जुबान ना बोले, उसको कहते हैं जन वशीकरण। ठीक है, इस मंत्र का 7 दिनों तक 108 जाप करना है, मतलब एक माला जाप करना है, हर रोज 7 जाप करेंगे। इतना करने से ये मंत्र पर्याप्त रूप से आपके जीवन पर काम करेगा, और जो भी लोग आपसे कटु भाव से बात करते हैं या फिर ऐसे जो कि आपके घर आके आपसे कटु वाणी बोलते हैं, आपके ऑफिस में आके आपसे कटु वाणी बोलते हैं, ऐसे लोग आपके सामने बैठेंगे तो वो कटु वाणी बोल ही नहीं पाएंगे, आपका विरोध कर ही नहीं पाएंगे। नाथों का तंत्र है। इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक आसन जो कि कम्बल का हो, ठीक है, किसी भी रंग का हो सकता है, एक वस्त्र जो कि सिला हुआ ना हो, एक दीपक, 5 अगरबत्ती, एकांतवास ऐसा जहाँ से आकाश दिखता हो, एक कटोरे में जल लेंगे, सामने दीपक जलाएंगे और एक कटोरे में थोड़ी सी मिट्टी रखेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो दीपक है वो अग्नि का प्रतीक हो जाएगा, वायु आपके चारों तरफ है, आपके नेत्र जो हैं वो आकाश पर रहेंगे। मिट्टी हमने इसलिए ली है क्योंकि आज के दिन ज़्यादातर लोग जो साधना करते हैं वो पक्के पे करते हैं, वो मिट्टी पे करते नहीं है। जो मिट्टी पे साधना कर सकते हैं उनको अलग से मिट्टी रखने की आवश्यकता नहीं है, और एक तांबे या कांसे के बर्तन में जल रख लेंगे, ठीक है। तो पंच महाभूतों को सामने साक्ष्य रख करके और उनको धूप दिखाएंगे। नवेद में आपको दूध रोटी का नवेद लगाना है, 5 रोटियां रहेंगी अच्छी बनी हुई गुड़ डाल करके, और उसमें आप दूध डाल देंगे और वही आपका नवेद होगा, ठीक है। इतना करने के बाद जो मंत्र है उसका आप 108 जाप करेंगे। क्या है मंत्र? मंत्र है ओम 5 तत्व भिखारिणी माया तजो यजो भूखंडवी पांचो तत्व वंशी भूतम पृथ्वी आकाश अग्नि वायु जल प्राणी प्रत्युक्कायम आसन प्रभु आत्ममम शिवम धारम। ये मंत्र सावर है तो थोड़ा तो टेढ़ा होगा ही, फिर से मंत्र सुनिए। ओम 5 तत्व भिखारिणी माया, मतलब 5 तत्वों के सामने जो माया का आडंबर है वो भिखारिणी की तरह है। तजो यजो भूखंडवी, लो या छोड़ो ये भूखंड पर सब है। पांचों तत्व वंशी भूतम, 5 तत्व से वशीकरण होगा, वशीभूत होंगे। पृथ्वी आकाश अग्नि वायु जल, ये सब हम सामने रख करके साधना कर रहे हैं। प्राणी प्रत्युगायम आसन प्रभु आत्ममम शिवम धारम, ठीक है। तो इस मंत्र का 108 जाप करेंगे हम लोग 7 दिनों तक। ओम 5 तत्व भिखारिणी माया तजो यजो भूखंडवी पांचो तत्व वंशी भूतम पृथ्वी आकाश अग्नि वायु जल प्राणी प्रत्युगायम आसन प्रभु आत्मम शिवम धारम, ठीक है। इतना करने के बाद जो आपका रोज का नवेद होगा उस नवेद को सुबह में जाके गौ माता को खिला देना है। गौ माता जब तंत्र में चलता है तो सबसे पहला जो काली बाछी होती है उसको देना चाहिए, ठीक है। काली बाछी नहीं मिलती है तब बाछी, बाछा नहीं, काली बाछी नहीं मिलती है तो काली गाय को ये भोग देना चाहिए, ठीक है। जब आप गाय की बात करते हैं तो एक चीज़ और ध्यान रखना है कि तंत्र में जब आप भोग देते हैं वो तो देसी नस्ल की जो गाय होती है उसको देना सर्वोत्तम होता है।
ऐसा 7 दिन कर लेंगे। 8वें दिन आप किसी नदी या तालाब, कुछ नहीं मिलता है तो एक बर्तन में जल भर लेंगे और उस बर्तन के बगल में बैठ करके हवन करेंगे। हवन कैसे करेंगे? तो स्क्वायर में आप लकड़ियों को लगाएंगे, मतलब आपके राइट से नॉर्थ, आपके राइट से सामने पहली लकड़ी, और इस तरह से एक चौकोन बनाएंगे, ठीक है? और ऐसा 5 तल्ले का आप हवन कुंड तैयार करेंगे, ठीक है? उसके बाद उसके नीचे में पान का पत्ता रखेंगे, पान के पत्ते पे कपूर रखेंगे, ठीक है ना? और जब आप अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे तो उसमें जो आम हवन सामग्री होती है उससे आप हवन करेंगे, ठीक है? कितना हवन करेंगे? तो दशांश हवन करेंगे। दशांश हवन करने के बाद उसी हवन सामग्री से दशांश का दशांश जो है जल में आहुति देंगे, तो जो मंत्र बताया है उसी मंत्र का स्वाहा करके, ठीक है? ये दोनों जैसे आप विधान कर लेंगे, इसके बाद कुछ द्रव्य या कुछ भोजन जा करके मंदिर में, या मंदिर के पुजारी को, या कोई भूखा या कोई जो जरूरतमंद है ऐसा दिखे वैसे आदमी को आप देंगे, ठीक है? इस विधान में कोई भी दिशा बंधन नहीं है, इसका आप ध्यान रखिएगा, लेकिन जिस भी दिशा में बैठिएगा आकाश आपको दिखना चाहिए। ये जब 7 दिन का विधान और साथ में हवन मार्जन आप कर लेते हैं, इसके बाद आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, और जिस भी स्थान पर आप बैठते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आपके विरोधी आपके आप पर हावी हो जाता है, वहाँ बैठ करके 7 दिन नित्य इसका पाठ, 7 बार इसका नित्य पाठ करेंगे तो लोग आपसे वशीभूत रहेंगे, पांचों महाभूत आपकी सहायता करेंगे। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। इसमें जो साधक को शुरुआती साधना के विधान जानना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। मेरे द्वारा लिखे गए लेख या मेरे आगामी कार्यक्रम को जानने के लिए आप www.agurtantra.se पर जा सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप है, ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर इसको डाउनलोड कीजिए। इसमें rudranath@cm4 आप सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। पंच महाभूत आपकी रक्षा करें, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।